पलकी और शनाया की मेहंदी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, शौर्य को हुई दोनों के बॉन्ड से जलन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टीवी सीरियल कुंडली भाग्य के आने वाले ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार ढंग से मेहंदी की सेरेमनी की फंक्शन की तैयारी हो रही होंगी, जहां पर खुद पलकी और शनाया अपने अपने परिवार के साथ जैसे ही पहुंचेंगे, घर वालों के भी चेहरे की जो रंगत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि मेहंदी वाली ना आने से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होंगे और इस टेंशन के माहौल में लाइट नोट करता हुआ नज़र आएगा हम सब का फेवरेट राजबीर। राजबीर कहेगा कि अगर मेहंदी वाली नहीं भी आती है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी पलकी को अपने हाथों से मेहंदी लगा दूंगा। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो पलकी और राजबीर को छेड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमें ना मेहंदी की रस्म करवानी है, पूरा हाथ लाल नहीं पुतवाना, इसीलिए हम बहुत सारी मेहंदी आर्टिस्ट को अरेंज कर सकते हैं, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। देखते ही देखते थोड़ी देर में मेहंदी आर्टिस्ट आ जाती है और जैसे ही मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी लगाना शुरू करती है तभी यहाँ पर शुरू होता है एक दूसरे की पसंद से मेहंदी लगवाने का सिलसिला। अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे आप कि पूर्वी जो पलकी है वो आरवी से कोशिश करेगी दूर से मेहंदी डिज़ाइन पसंद करवाने की और वो इशारे से पूछेगी कि कौन सी मेहंदी की डिज़ाइन उसे लगवानी है, जिसे चुपके से नोटिस कर रहा होगा शौर्य और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा इन दोनों का रोमांस देखकर। अगला ट्विस्ट तो तब आएगा जब आरवी यहाँ पर मेहंदी के डिज़ाइन कर देगा कंफर्म और ये बात शौर्य देख लेगा और वो सबके सामने पब्लिकली कहेगा कि मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन तुम्हें लगवानी चाहिए पलकी, ये बहुत अच्छी लग रही है। पलकी भी यहाँ जानती है कि वो वही डिज़ाइन लगवाएगी जो शौर्य कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी राजबीर ने उस डिज़ाइन को फाइनल कर दिया है। पलकी सबके सामने कहती है कि हाँ मुझे भी यही डिज़ाइन अच्छी लग रही है, मैं यही डिज़ाइन लगवाने का सोच रही थी। वेल, ये सब कुछ देखकर ऑब्वियसली शनाया को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि हर बार की तरह शौर्य उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। अब देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि ये सब कुछ जो चालबाजी चल रही है इसके बाद शौर्य शनाया के रिश्ते पर क्या बीतेगी। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि प्रीता यहाँ पर करने वाली है एक बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल जो मेहंदी आई है उसमें मिलावट होगी और इस बात की खबर लग जाएगी प्रीता को, और प्रीता यहाँ पर जैसे ही आएगी वो होने वाली है बेहोश, जिसके चलते मेहंदी फंक्शन बीच में ही रुक जाएगा। आखिर कौन है वो शख्स जिसने मेहंदी में की है मिलावट और वो किसको हार्म पहुँचाना चाहता है, पलकी को, शौर्य को, शनाया को, आरवी को या फिर किसी और को? क्या लगता है आप सभी को कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।